blood. तो आगे भाई लोग तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिनसेंजो में। आशा करता हूँ आप लोग शुक्र अच्छे बने रहना। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ। तो आज वीडियो क्या गुंडा बनेगा रे वन वर्सेस टू कस्टम मैच। गाइस ये मैच काफी खतरनाक रहने वाला है क्योंकि हम लोग करने वाले ओनली डीजे डीगल और वुड पिकर चैलेंज। गाइस इन दोनों गन में से हम कोई भी गन चला सकते हैं, यानी कि एक हिसाब से कर सकते हैं। ये मैच टोटली डिपेंड होने वाला है वन टैप पे। तो चलिए देखते हैं मैच में क्या रहा है। मैच में यहाँ पर शुरू के दो राउंड में एक बंदे को फिनिश करता हूँ, बचाने वाला है दूसरा टीममेट उनका मुझे वहाँ पर फिनिश कर देता और मैं तीन राउंड तक हार जाता हूँ। बट चौथे राउंड में मैं एक बंदे को यहाँ पर फिनिश करके दूसरे बंदे को भी काफी खतरनाक वाला एक वन टैप मार देता हूँ। बट एक बॉडी शॉट के बाद खतरनाक वाला वन टैप मारकर उसे वहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। गाइस स्कोर जाता है 3-1। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार और थोड़ा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से कर दो। यहाँ पर पांचवा राउंड भी काफी खतरनाक तरीके से दोनों बंदों को वन टैप मारकर मैं वहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। बट सामने वाले एनिमी के द्वारा छठे और सातवें राउंड में मुझे काफी खतरनाक वन टैप पड़ने के कारण मैं लगातार दो राउंड हार जाता हूँ और स्कोर जाता है 5-2। ये इस कस्टम मैच का आठवा राउंड। यहाँ पर एक बंदे को काफी खतरनाक तरीके से वन टैप मारकर उसे वहाँ पर फिनिश कर देते हैं। अब अच्छा सामने से एक बंदा, बट सामने वाला मुझे काफी खतरनाक वाला वन टैप मारकर मुझे वहाँ पर फिनिश कर देता है। यहाँ पर स्कोर जाता है 6-2। अब इस मैच को गाइस जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है मैच में। और आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करो और जल्द से जल्द अपना प्यारा कमेंट कर दो क्या मैं ये मैच अभी भी जीत पाऊंगा। यहाँ पर मैं स्कोर कर लेता हूँ 6-3। ये एक कस्टम मैच का दसवां राउंड। यहाँ पर एक बंदे को फिर से डिजिटल का काफी हार्ड वाला है एक्शन मारकर उसे वहाँ पर नॉक कर दिए। अब बचा सामने से एक बंदा, इसे भी जल्द से जल्द अगर मार दे तो हमारा ये मैच जीतने का उम्मीद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे हो तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आ रही। क्या करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार और थोड़ा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से कर दो। यहाँ पर मैं काफी शानदार तरीके से स्कोर कर लेता हूँ 6-4। ये एक कस्टम मैच का 11 राउंड। और अब अगर मुझे ये मैच जीतना है तो मुझे बैक टू बैक 3 राउंड लगातार जीतने होंगे। काफी मुश्किल तो लगता है गाइस क्योंकि सामने वाले बंदे लोग का भी वन टैप काफी खतरनाक तरीके से लग रहा है। दोनों काफी खतरनाक वन टैप प्लेयर हैं। और यहाँ पर स्कोर हो जाता है 6-4। ये एक कस्टम मैच का 12वां राउंड। अगर ये वाला राउंड में जीत जाता हूँ तो मैच चल जाएगा फाइनल राउंड में। और काफी शानदार तरीके से मैं ये वाला राउंड जीत भी जाता हूँ। ये इस कस्टम मैच का फाइनल राउंड, यानी कि यहाँ पर पता चल जाएगा कौन है विनर कौन है लूजर। यहाँ पर मैं सामने वाले टीम के एक प्लेयर को पहले फिनिश कर देता हूँ, बट उसका टीममेट मुझे यहाँ पर काफी शानदार वाला वन टैप मारकर मुझे वहाँ पर फिनिश कर देता है। आपसे मिलते हैं ऐसी तक भक्ति और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।